आई एम मिसेस रितु चतुर्वेदी. माई सन इज़ कुणाल चतुर्वेदी, जिसने कि CBSE एग्ज़ाम से 10th पास किया. उसके बाद मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश में थी जहाँ पे बच्चों को स्ट्रेस ना हो और बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाए. मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को फिटजी सैफाबाद के लिए सजेस्ट किया. वहाँ जाके जब मैंने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, वहाँ की फैकल्टी से बात की, तो मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा और मैंने 2012 में अपने बेटे को फिटजी सैफाबाद में एडमिशन दिलाया. अपने बेटे को फिटजी ज्वाइन कराने के बाद मैंने देखा कि वो धीरे धीरे ज़्यादा स्टूडियस हो रहा है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपनी स्टडीज़ में, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा. टीचर्स का बराबर टच में रहना, उसका डेली एवरी मंडे उसका एग्ज़ाम होता था, टेस्ट होता था, जो कि सैटरडे को बड़ी आने के बाद जो है बड़ी अच्छे से पढ़ाई करता था. और धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट होके डीपली स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो गया है. टीचर्स का पूरा सपोर्ट रहा, फैकल्टी का बहुत सपोर्ट था, स्पेशली जो उनके सेंटर के हेड थे उनका बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन है बच्चे की सक्सेस में. सारे टीचर्स ने बच्चों का कुणाल का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और उसके उनके टेस्ट का जो भी फीडबैक होता था बराबर वो फ़ोन करके हमें बताते थे कि आज बच्चे ने टेस्ट में अच्छा नहीं किया, क्या रीज़न है, उसका तबीयत नहीं ठीक है क्या, और उसकी वजह से हम उस बच्चे की जो क्यों पढ़ाई नहीं किया उस पर हम कॉन्सेंट्रेट करके नेक्स्ट टेस्ट में वो अच्छे मार्क्स लेके आ पाता. अगर मेरे बेटे का किसी टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता था तो टीचर्स कभी भी बच्चे को प्रेशराइज नहीं करते थे, वो पेरेंट्स से बात करते थे कि क्या रीज़न है, बच्चे ने अच्छा क्यों नहीं किया, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों के कोऑपरेशन से हम बच्चे को मोटिवेट करके और नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा कर पाने के लिए उसको इनक्रेज करते थे. आज बच्चे का इतना अच्छा रैंक आने के बाद हमको लगता है कि हमने बहुत सही डिसीज़न लिया फिटजी में एडमिशन करा के. स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, टीचर्स बहुत ही अप्रोचेबल हैं, किसी भी टाइम बच्चे जाके टीचर्स से बात कर सकता था, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता था. इवन लास्ट के जेई मेंस और जेई एडवांस के टाइम में टीचर्स का बहुत कोऑपरेशन था. 9:30, 10 o'clock तक भी टीचर्स अवेलेबल थे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम बताने के लिए. लास्ट में जो उनका AITS था और जो उनके टेस्ट थे और बाद में जो रिवीजन शेड्यूल था वो बहुत ही अच्छा था. और आज मेरे को लगता है कि बहुत सही डिसीज़न था फिटजी में बच्चे का एडमिशन करा के, और अपने बच्चे की सक्सेस का पूरा क्रेडिट फिटजी को देती हूँ.